हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के आज के इस क्लास में हम लोग इस प्रकार का एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जिसमें हो क्या रहा है कि ये दो कोऑर्डिनेट का वैल्यू लेगा। दो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर मैं एक बिंदु यहाँ लिख कर दे दूँ और एक बिंदु मैं यहाँ दे दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और उसके बाद में कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक आपका एक्स वैल्यू होता है, तो पहला यहाँ मैंने इसको X1 लिख दिया, और दूसरा वाई वैल्यू होता है तो मैंने यहाँ पे Y1 लिख दिया। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो था, इसका एक्स का वैल्यू हम लोग X2 ले लेते हैं और वाई का वैल्यू हम लोग Y2 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से दो पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट हम लोग को मिलेगा, और हम लोग को क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर, इन सब का रूट ओवर। ऐसा करने पे क्या होता है कि मेरे को दो कोऑर्डिनेट का बीच में जो डिस्टेंस है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इस जगह हम लोग क्या देंगे, इस जगह हम लोग X1 का वैल्यू देंगे, इसमें हम लोग क्या देंगे, इसमें हम लोग Y2 का वैल्यू देंगे, इसमें हम लोग क्या देंगे, इसमें हम लोग X2 का वैल्यू देंगे, इसमें हम लोग क्या देंगे, सॉरी, ये आपका Y1 का वैल्यू है ना, और यहाँ पे Y2 का वैल्यू, ठीक है, X1 Y1 X2 Y2, ये सब का वैल्यू देंगे। और फिर ये जो बटन है, इसमें हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है वो हम लोग को दिखाएगा। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर जावा स्क्रिप्ट वाला पेज में जाएंगे हम लोग, मतलब फाइल में जाएंगे और फिर ये प्रोग्राम करेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ आपका, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, जैसे कि 6 और 8 दे देते हैं हम लोग यहाँ, 6 और उसके बाद 8, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग -9 दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग -12 दे देते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए, यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है 25। और ये 25 क्या है, दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी है, दो बिंदुओं के बीच का बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोग को मिल रहा है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे ही मैंने पेज को ओपन करके रखा है, index.html, और यहाँ पे VS कोड एडिटर में ये मेरा index.html वाला पेज है, और ये मेरा code.js वाला पेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, index.html में जाएंगे, और यहाँ पे जो बेसिक HTML के लिए हम लोग को लिखना है कोड, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से आ जाएगा, अगर मैं HTML:5 लिख दूँ तो, ठीक है, ये तो लिखना ही होता है। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे H1 टैग यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ फाइंड द, इसको बंद कर देते हैं, ऐसे इसका काम तो नहीं है, और यहाँ लिख देते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिट बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल लेने वाला हूँ, और टेबल के अंदर में मैं एक TR लेने वाला हूँ, TR के बाद मैं एक TD लेने वाला हूँ, और TD के अंदर में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, X1, और X1 के बाद में यहाँ पे मैं एक इनपुट लूंगा, इनपुट, और ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स ही रहेगा, बस इसका एक ID हम लोग दे देंगे। यहाँ पे मैं ID दे देता हूँ, यहाँ पे ID इसका मैं दे देता हूँ X1, ठीक है, और बस इतना ही रहेगा और कुछ नहीं। अब इसी को मैं क्या करने वाला हूँ, इसी को मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी, एंड देन अभी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं Y कर दूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, X2 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे Y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका Y2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ID भी चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये Y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
ये आपका एक्स टू हो जाएगा, और उसके बाद में फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका वाई टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दरकार नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक हम लोग बटन बनाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ BUTTON बटन, और बटन के अंदर में हम लोग लिखेंगे DISTANCE डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी, आईडी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक क्या होता है, एक इवेंट होता है जिसके जरिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का फंक्शन को कॉल करवाते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ फाइंड डिस्टेंस नाम का। अब ये फंक्शन हम लोग बनाएंगे जावास्क्रिप्ट वाला फाइल में, और वहां से हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में और क्या करना था, और एक डिव बनाएंगे जिसमें हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे, तो यहाँ पे डिव, और इसका भी हम लोग क्या देने वाले हैं, आईडी। आईडी इसका मैं दे देता हूँ RES, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, ये जो code.js वाला फाइल है इसका लिंकअप इस HTML पेज में भी करना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा स्क्रिप्ट SRC, और SRC के अंदर में वो फाइल का जो नाम है code.js उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। बस ये लिंक हो गया। अभी अगर मैं आपको HTML पार्ट दिखाऊं तो क्या मिलेगा देखने को, देख लीजिए एक बार। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस प्रकार से X1, Y1, X2, Y2, ये सारा का वैल्यू लेने वाला डब्बा आ गया है, और बटन क्लिक करने वाला हम लोग का बटन बन गया है जिसके द्वारा हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब क्या करना है, अब सिंपली हम लोग को फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कहाँ बनाएंगे हम लोग, जावा फाइल में जाने के बाद में फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फंक्शन लिखना होता है, उसके बाद में फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो फंक्शन का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, फाइंड डिस्टेंस, ठीक है ना। देखिए फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखे ना फाइंड डिस्टेंस, जब ये बटन में क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक काम करिए, अलर्ट लिखिए, और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहते कर लीजिए, मैं यहाँ पे कॉलिंग लिख रहा हूँ। और उसके बाद एक बार हम लोग देख लेते हैं ट्राई करके कि क्या यह फंक्शन कॉल करता है या नहीं करता है जब हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं। तो मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे कॉलिंग वाला अलर्ट दिखा रहा है, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो बटन के बुलाने पे आ रहा है, ठीक है ना। तो वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं और देन इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लूंगा। तो मैं यहाँ पे लेट कीवर्ड यूज करके वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक X1 वाला वेरिएबल ले रहा हूँ, और X1 वाला वेरिएबल में मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो भी वैल्यू मेरे को टेक्स्ट बॉक्स से मिलता है ना, वो वैल्यू जो होता है वो एक्चुअली में हम लोगों को स्ट्रिंग के तौर पे मिलता है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। दैट वैल्यू को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा। और वो वैल्यू ग्रैब करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी आ गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर यहाँ पे आईडी का नाम। तो यहाँ पे X1 दिया था हम लोगों ने आईडी का नाम, तो वो लिख देंगे, और उसके बाद में डॉट एंड देन वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका वैल्यू को उठा ले रहे हैं, और इसी प्रकार से सारा चीज का वैल्यू हम लोग उठा लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ, और फिर पेस्ट करता हूँ, और फिर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई टू, एंड देन यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे वाई टू, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स टू, और उसके बाद ये नीचे वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई टू, और उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे एक्स टू, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे वाई टू। अब अगर आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे X1 Y2 क्यों हम लोग लिख रहे हैं, तो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए X1 Y1 X2 Y2 ये लिखने का रीजन ये होता है कि देखिए हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स से डाटा को उठा रहे हैं, तो यहाँ पे आईडी मैंने क्या लिखा था, X1 Y1 X2 Y2। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, X1 Y1 X2 Y2, उस डब्बा में जो भी हम लोग लिखेंगे वो ये वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा, X1 Y1 X2 Y2, ठीक है।
अब हमको तो सारा वैल्यूज मिल जाएगा, वैल्यू मिलने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे बैठा देना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं और ले रहा हूँ डिस्टेंस नाम का, और उसके बाद में यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला बैठा दूंगा। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले स्क्वायर रूट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग मैथ फंक्शन यूज कर रहे हैं, मैथ डॉट SQRT, SQRT। अब इसके अंदर में अभी यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, x2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब कि पावर फंक्शन फिर यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके अंदर में ही लिख देते हैं मैथ डॉट पावर फंक्शन। अब पावर फंक्शन में क्या होता है, पावर फंक्शन में पहले हम लोग बेस देते हैं, तो बेस हमारा क्या है, x2 - x1, ये हमारा बेस है, तो बेस हम लोगों ने दे दिया, और इसका स्क्वायर चाहिए मतलब 2। उसी प्रकार से फिर बीच में क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और देन फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैथ फंक्शन यूज होगा, और फिर यहाँ पे पावर, मतलब मैथ का पावर फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। और अभी यहाँ पे बेस क्या होगा, यहाँ पे बेस जो था हमारा y2 - y1, ठीक है, और फिर कॉमा, और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा जो फॉर्मूला था ना, x2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया है। और ये क्या करेगा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके हमको जो डिस्टेंस है वो कहाँ दे देगा, वो डिस्टेंस नाम का वेरिएबल में। अब ये डिस्टेंस नाम का वेरिएबल जो रहेगा, वहां पे हम लोगों ने जो डीप बनाया था ना, जिसका आईडी हम लोग RAS रखे थे, वहां पे हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद में जहां दिखाना है उस आईडी का नाम, मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। देखिए हम लोग इसको यहाँ पे, ये जो डीव आईडी RES है ना, इसके बीच में हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए इसका आईडी, और बीच में दिखाने के लिए यहाँ हमको लिखना होगा इनर HTML और इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस। आप और कुछ प्रिंट करना चाहते तो कर सकते हैं, वो आपका इच्छा है। और फिर यहाँ पे मैं प्लस लिख दूंगा कॉन्कनेट करने के लिए, और यहाँ पे जो वेरिएबल था हमारा डिस्टेंस वाला, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा डिस्टेंस। ओके, अगर सारा चीज ठीक रहा तो मेरा रिजल्ट सही दिखा देगा ये, अदरवाइज हमको एरर देगा। एरर देगा तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एक बार चलिए हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग वो वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डालूंगा 6, यहाँ पे मैं डालूंगा 8। देखिए कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ, अगर 25 आ जाता है दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे -12, और जैसे मैं डिस्टेंस में क्लिक करता हूँ तो देखिए 25 दिखा रहा है, दैट मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन था डिस्टेंस फाइंडर वाला बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, और हम लोगों ने बना लिया ये एप्लीकेशन। ओके, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।